हल्दीराम अब एक इंडियन ब्रांड नहीं रहेगा क्योंकि ब्लैकस्टोन उसमें 75% स्टेक खरीदने वाला है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और GIC ऑफ सिंगापुर के साथ मिलकर ब्लैकस्टोन ने हल्दीराम की वैल्यूएशन 8 to 8.5 बिलियन डॉलर्स की लगाई है और अगर ये डील हो जाती है तो भारत में अभी तक की ये सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी डील होगी। हल्दीराम के टोटल 3 फैक्शंस हैं जो अग्रवाल फैमिली में ही बटे हुए हैं, लेकिन ये डील होगी नागपुर और दिल्ली फैक्शन के साथ, वो भी तब जब हल्दीराम फूड और हल्दीराम स्नैक्स का मर्जर होगा और ये न्यू एंटिटी कहलाएगी हल्दीराम स्नैक्स फूड लिमिटेड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस डील में हल्दीराम का रेस्टोरेंट बिजनेस इंक्लूड नहीं है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।